दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू 2% से बढ़कर 1478 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस पे रेवेन्यू में ज़्यादा चेंज हमको देखने को नहीं मिला है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे 189% क्वार्टरली बेसिस पर बढ़कर 133 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में निकल कर आया है। अब देखिए 189 करोड़ का जो प्रॉफिट है, ये थोड़ा 189% का जो ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है उसके पीछे का रीज़न ये है, पिछले क्वार्टर में कंपनी को टैक्स एक्सपेंस थोड़ा कुछ ज़्यादा हुआ था, उसकी वजह से यहाँ पे ये प्रॉफिट हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ज़्यादा चेंज हमें देखने को नहीं मिला है। अब अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करें तो उसके कंपेरिजन में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 40% से बढ़ा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिल रही है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे 51% बढ़कर 133 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं और क्वार्टरली बेसिस पे भी यहाँ पे कंपनी के नंबर अच्छे हैं। अब ये देखिए 14,150 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे 1.48% का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड भी है। तो देखिए, अगर ग्रोथ स्टॉक होने के बावजूद अगर आपको 1.5% का अगर डिविडेंड मिल जाए तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी बात है। अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अभी भी आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है और जो ग्रोथ अभी हमको यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिली है उससे यहाँ पे कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें और कम होता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए, पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा अगर आप देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई थी, बाकी हर साल यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब अगर आप देखोगे 202.75 पे यहाँ पे फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 242 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर आप देखोगे ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी 13-14% ये स्टॉक गिर चुका है। तो देखिए, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं, जो कंपनी के रिजल्ट आए हैं, तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे कोई भी इश्यू नहीं है। और जो लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देखिए, जब स्टॉक 13-14% अपने ऑल टाइम हाई से गिर चुका है तो मेरे ख्याल से एक बेहतर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नजर आती है। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये स्टॉक अभी काफी अट्रैक्टिव नजर आता है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म व्यू की। देखिए, शॉर्ट टर्म व्यू में अगर हम देखें तो मार्केट ने इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले कुछ टाइम पे यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। तो देखिए, अगर आप 2-3 महीने का टाइम पीरियड अगर आपके पास है तो मुझे ऐसा लगता है कि आराम से 2-3 महीने में अपना ऑल टाइम हाई टच करता हुआ नजर आएगा, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। ऑलरेडी ये कोई डायरेक्ट एडवाइस नहीं है कि आपको जाके इन्वेस्ट करना है, आपको अपनी खुद की रिसर्च करके फिर ही आपने यहाँ इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।